The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet. Aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, Diwali is here. Diwali aane wali hai aur aap log sab दिवाली में खूब मजे करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट जॉयफुल फेस्टिवल, राइट, इंडिया का सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है. आप सब मनाएंगे, हम मनाएंगे, लाइट्स, कलर्स, क्रैकर्स, स्वीट्स, पता नहीं क्या क्या, बट देर आर सम थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. बट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, दिवाली में हेल्थ के बारे में थोड़ा सा सोचना. सो लेट्स टॉक अबाउट दिवाली के लिए डाइट. कैसे डाइट रखेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे. भाई ऐसा ना हो कि हम मोटे हो जाएं, ऐसा ना हो कि जो मेहनत करी फिटनेस पे, वजन पे, वो दिवाली के बाद ऐसी तैसी हो जाए. भाई किसको रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, दूसरे हमें स्वीट देंगे तो क्या खाएंगे नहीं, क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब. सो लेट मी टेल यू क्या बोल रहे हैं, बिकॉज डाइट इज नॉट अबाउट कि ये खाना है बॉइल्ड वेजिटेबल. इट्स अबाउट मेकिंग अ स्मॉल लिटिल चेंजेस. थोड़े थोड़े से चेंजेस करके आप अपने हेल्थ को 10 गुना बेटर कर सकते हैं इस दिवाली के दौरान. तो क्या है वो चेंजेस, उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे आज इसी वक्त यहीं पर. सो दिवाली वेलकम करिए, लेकिन हेल्थ को वेलकम, हेल्दी दिवाली को वेलकम करिए. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डाइट एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट क्रैक, यू नो, फ्रायर क्रैकर्स अगर आप चलाना ही है तो क्या प्रिकॉशंस रखना, भाई ध्यान भी तो रखना पड़ेगा. और अगर मान लो बर्न हो गई तो फिर उसको कैसे ठीक करना, राइट. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स स्टार्ट. सो डाइट, डाइट इन दिवाली. सी, दिवाली में आप अपनी फैमिली के साथ खुशियां मनाइए, हेल्दी रहिए, लेकिन हेल्दी खाइए भी. हेल्दी खाने का क्या मतलब है, भाई आपको मिठाइयाँ मिलेंगी, आप मिठाइयाँ बांटोगे, एक्स्ट्रा पाउंड्स गेन हो जाएंगे, उल्टे सीधे वेट, वजन बढ़ जाएगा. देख, आध दो दो पाँच पाँच किलो लोगों का वजन बढ़ जाता है. इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, राइट. बहुत ज़्यादा लोग खा जाते हैं. सो क्या करें, राइट. सिंपल चीज़ है, लो कैलरी सब्स्टिट्यूट स्वीट्स भी आते हैं, लो कैलरी स्वीट्स भी आते हैं, इवन शुगर फ्री स्वीट्स भी आती हैं, राइट. सो वी कैन ऑप्ट फॉर दैट, है कि नहीं. और बिल्कुल ऐसा ना हो कि हम एकदम भरा भर 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 के देसी घी की उठा उठा के सब्जी मिठाइयाँ खाते जा रहे हैं. देसी घी इज़ गुड बट इन लिमिटेड क्वांटिटी, रिमेंबर दैट, राइट. सो हमें क्या करना है, हेल्दी चॉइसेस पे जाना है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ऑफ स्वीट्स पे जाना है. आप स्वीट्स की जगह आप ड्राई फ्रूट्स या हेल्दी चॉइसेस पे जाइए, राइट. और सबसे बेस्ट चीज़ है स्वीट्स जो है घर पे बनाइए. बाहर के मिठाइयाँ खरीदने की जगह द बेस्ट ऑप्शन इज टू कुक देम एट होम. वो इंश्योर करता है कि वो हेल्दीएस्ट है, सबसे अच्छे प्योर इंग्रेडिएंट्स यूज है, कोई मिलावट नहीं है, राइट. दैट इज द बेस्ट. सो मिठाइयाँ बांटोगे भी खाओगे भी घर में बना के खाओ, उससे बेहतर नहीं है, राइट. उसके लिए आप अपने तरफ से घी, ऑयल, जो भी यूज़ करना है अपने घर में यूज़ करो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करो, राइट. दैट इज़ वेरी गुड. सो मिठाइयाँ घर पे बनाओ. फिर जब खाना खाते हो तो छोटी छोटी प्लेट्स में खाओ. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. जब भी खाओगे छोटी प्लेट से, भर भर के, थालियाँ भर के नहीं, छोटी प्लेट से, छोटे स्नैक्स से क्या होगा कि जो आप एक्चुअली में खाना चाहते हो आप वही लोगे. ये नहीं कि भर भर के सब कुछ ले लिया फिर जबरदस्ती ले लिया तो खाना ही पड़ेगा. भाई होता है ना सबके साथ, हो सबके साथ होता है एक्चुअली. सो हमें पता है इसलिए बता रहे हैं, राइट. सो ऐसे गड़बड़ ना हो इसलिए छोटी छोटी प्लेट्स में खाइए, छोटा अमाउंट खाइए, तो कि जो एक्चुअली अच्छा लग रहा फिर ले लीजिएगा. बट देन टेक स्मॉल डाइट. सब बनाते हैं, राइट, चिवड़ा, अपने कलौंजी और वो जो होती ना वो एवरीथिंग, लड्डू, गोंदवे लड्डू और क्या क्या नहीं बनता. सो अलॉट ऑफ थिंग्स आर मेड एट होम, बनाइए, अच्छा लगता है, बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है. दोज आर गुड थिंग. थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज डू नॉट स्किप योर मील्स. ऐसा नहीं कि रात को डिनर है, बहुत जोरदार खाना खाएंगे, बाहर पार्टी है तो अपन खाना नहीं खाते आज, राइट. ऐसा करेंगे रात को जो दबा के खाएंगे वहां पे एकदम मजा आएगा, ऐसा नहीं करना. और एल्स वो क्या हो जाता है, एक साथ ओवर फीडिंग जब आप करते हैं इंसुलिन स्पाइक होता है, दैट जस्ट गोज इन योर फैट स्टोरेज, गपागप. इतना सारा एक्स्ट्रा खाने से कुछ नहीं मिलने वाला. सो रिमेंबर दैट, अच्छा खाना है आराम से खाओ, राइट. दैट इज दैट द स्टेप विल कम. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भूखे नहीं रहना, स्किप नहीं करना, मील स्किप नहीं करना, खाना टाइम पे खाओ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. मेक श्योर फॉर दैट. और जो भी खा रहे हो, राइट, धीरे धीरे चबा चबा के खाओ, मजे लेकर खाओ यार, टेक योर टाइम.
enjoy your relish your treats. जो भी आप खा रहे हो, मान लो आप मिठाई खा रहे हो, मान लो आप कुछ खा रहे हो जो तला हुआ है, ठीक है, मिठा दिवाली है, थोड़ा सा खाओ एंड टेक योर टाइम, उसको मुंह में रखो, इंजॉय करो, चबाओ, डबल चबाओ, रिलैक्स करके देखो कितना मजा आएगा. सो मजा लेके खाओ, इंजॉय करो, राइट, दैट इज द वे. और जो दूसरे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, मान लो अगर आपको डायबिटीज है, मान लो अगर आप एक्चुअली बहुत मोटे और बहुत मेहनत कर रहे हो, तो उसको ब्रेक नहीं करना है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन है ड्राई फ्रूट्स, बेस्ट ऑप्शन है ऐसी जो प्रूनस एंड रेजिन्स, ये सब, वॉलनट्स, ऑलमंड्स, फिग्स, राइट, कैश्यूज, राइट, पिस्ता, तो ये काजू पिस्ता, ये सब बादाम, ये सब चीजें खाइए. सो दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस इवन टू गिफ्ट समबडी, राइट. स्वीट से ज्यादा अगर डायबिटिक पेशेंट्स के घर पे शुगर की मिठाई अच्छा लगता है, बेचारे शुगर खराब हो जाए उनकी, है ना, तो उनको जाके दो, क्या दो, ड्राई फ्रूट्स दो, उनको ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये, फ्रूट्स दो, ड्राई फ्रूट्स दो, दैट इज, जूसेस जूसेस मत दो, फ्रूट्स दे दो, ड्राई फ्रूट दो. जूसों में भी, जूसेस में भी एडेड होता है शुगर, राइट, एवं दोनों की ऐसी तैसी दूसरों की क्यों करना है कि नहीं. सो थिंक अबाउट इट बिफोर गिफ्टिंग, यार हेल्थ गिफ्ट करो ना, तुम उनको बीमार, मीठा थोड़ी सा, दुनिया भर में मीठा बांटना बंद करो, राइट, बहुत मीठा हो गया दुनिया इतनी मीठी नहीं अच्छी लगती, राइट. सो रेलिश योर ट्रीट्स, ये सब चीजें. सो ये चीज हुई गिफ्ट की. फिर देर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जब भी बहुत जरूरी है कि पानी पीते रहो, हाइड्रेट, क्योंकि अनहेल्दी स्नैक्स खा रहे हो, स्वीट्स खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, कभी तला हुआ खा रहे हो, तो आपके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होता है, इन सब के जो भी चीज़ों को मेटाबोलाइज करना है, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है. सो आपको हाइड्रेट बहुत ज़रूरी है, अपने आप को खूब सारा करना, और इवन ये हाइड्रेशन से इनके जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लश आउट होते हैं. सो आपको लिटरली बहुत सारा 4 लीटर 5 लीटर पानी, मतलब लिक्विड्स लेना है, पानी नहीं तो लिक्विड लीजिए, राइट, एज आई ऑलवेज से, किसी भी प्रकार का लिक्विड ले सकते हैं, मीठा चीनी डाले बगैर आप फ्रूट के जूस बना के ले सकते हो, आप नारियल पानी ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, दाल का पानी ले सकते हो, दही, एनीथिंग यू वांट, राइट, लिक्विड्स, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. देन डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है, स्वीट्स इनटेक को मिनिमाइज करना है, और सबसे जरूरी, कुछ करे ना करे, ब्लड शुगर चेक करना है रोजाना, डजेंट मैटर भाई, दिवाली आ रही है, रोज शुगर ब्लड चेक करो, फास्टिंग वाला तो कंपलसरी, फास्टिंग ब्लड शुगर रोज चेक करो, यू शुड नो वेयर डू यू स्टैंड, राइट, ताकि आपको अगले दिन का हिसाब हो, यार बहुत ज्यादा होगी, अब नहीं खाता. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, डेली चेकिंग. देन जो पीते हैं भैया, दारू पीते हो तो मिनिमम में रखो, ज्यादा अल्कोहल ले लोगे, यूरिन ज्यादा आएगा, डिहाइड्रेट हो जाओगे, और बाकी सारी चीजें खाते के साथ साथ, दैट इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा, लिवर प्रॉब्लम, तो तुमको पता ही है, डायरिया, एक दिन से क्या होगा डॉक्टर साहब, एक दिन से एक्सीडेंट हो सकता है, एक दिन से ऐसे इंपॉर्टेंट अच्छे दिन में, राइट, ड्रिंक एंड ड्राइव कर लिया, चालान होगा वो अलग, एक्सीडेंट होगा वो अलग. सो दीज रिस्क क्यों करना है, मिनिमम पे रखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड अगर ऐसे कोई केसेस में दिवाली के टाइम पे, दिवाली के दिन, चाहे फटाके फोड़ रहे हैं लोग, चाहे आप कार में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, एवरीबडी हैज गुड सेंस की सब है, लेकिन फिर भी कीप अ फर्स्ट एड किट अपने पास रखो, यू नेवर नो कब उसकी जरूरत पड़ जाए. एक फर्स्ट एड किट जिसमें एक, मान लीजिए, एक इनहेलर हो, क्योंकि भाई सांस की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, लाइक लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए एक इनहेलर रखो, आई ड्रॉप्स रखो, आई में कभी कभी बर्निंग हो जाती है, राइट, बर्न की क्रीम रखो, जलने वाली जो क्रीम्स आती है, बर्न ऑल हो गया, कोई भी सिल्वर सल्फर सालिन, सो क्रीम्स रखिए, और कुछ मेजर किसी प्रकार के एक्सीडेंट के कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से जो भी बैंडेज और वो सारी चीज़ें होती हैं, प्लास्टर, सिंपल सिंपल ड्रेसिंग वाली चीज़ें, वो सब रख सकते हैं. फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंट है आपको रखना, इंपॉर्टेंट, राइट. और ईयर प्लग्स रखो पास में, बच्चे हैं, कोई भी हैं, ईयर प्लग्स इंपॉर्टेंट है, कभी भी एकदम से नॉइज पोल्यूशन कहीं भी हो सकता है, राइट. दीज आर इंपॉर्टेंट स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स जो आपके काम आएगी. भाई साहब, लाउड नॉइज कैन एक्चुअली डैमेज योर ईयर ड्रम्स, भाई साहब, लोगों को टिंगलिंग 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 टिनिटस शुरू हो जाता है, लोगों को नॉइज शुरू होता है, लोगों को ईयर डैमेज हो जाता है, कार्डियक प्रॉब्लम वाले लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, धड़कन बढ़ सकती है, इनकी धड़कन बढ़ गई, हार्ट अटैक हो गया, कहां आप दिवाली मना रहे हैं, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, राइट. सो रिमेंबर, दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैटर, जान बच सकती है इन चीजों से, मजाक नहीं है. सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. और आखिरी में, अगर आप कर रहे हो फायर क्रैकर, देखो ना ही जलाओगे तो बहुत अच्छी बात है, राइट, फटाके नहीं जलाओगे तो अच्छी बात है, दुनिया में थोड़ा सा फटाके कम देखे, आपने जलाए, बगल वाले ने जलाए, आवाज तो वही होनी है, देखना तो वही, बाहर जाके देख लो जितने देखने, राइट, और नहीं जलाओगे तो अच्छी बात,
आज तक जलाई हुए। सो फायर क्रैकर अवॉइड करिए, अगर जितने मिनिमम करने मिनिमम करिए, क्योंकि जब भी आप बर्न करते हैं राइट, ये ना सिर्फ फिजिकल इंजरी नॉइज पोल्यूशन बट द फ्यूम्स, जो फ्यूम्स आ रहे हैं वो रेस्पिरेटरी डिस्टर्स इश्यूज करते हैं। दिल्ली NCR ऑलरेडी, बल्कि पूरी इंडिया का बुरा हाल हो रखा है, बच्चे मास्क पहन के पटाखे फोड़ते, बताओ और क्या बोल सकता हूँ मैं। COPD के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, क्रोनिक लंग डिजीज के पेशेंट, इवन बाहर इतना बेंजीन है और क्यों इनको खराब करना बताइए राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेथलेसनेस और इस स्मोक को कम किया जाए राइट। ये दिनों तक, हफ्तों तक उसका इफेक्ट बना रहता है, एक छोटी सी राइट, एक दिन का थोड़ी सी चीजों का आप कुर्बानी नहीं दे सकते, बताओ। चलो कम तो कर दो, कम से कम जिन लोग करते हैं उनके लिए, बाकी जो समझते हैं वो समझते हैं राइट। रिमेंबर दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन स्मोकलेस क्रैकर्स भी आते हैं आजकल, स्मोकलेस क्रैकर्स उनको देख लो, उनके साथ लाइट है, साउंड है उसमें, स्मोकलेस क्रैकर्स भी अवेलेबल है, सर्च फॉर देम राइट। फिर घर में सजावट कर रहे हो तो इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करो राइट। अगेन जो पैराबीन हो गए, जो वैक्स हो गए, वो भी कई क्वालिटी के आती हैं। सो वैक्स कैंडल्स आर नॉट गुड, वैक्स कैंडल्स कमरे में बाथरूम में लगा दोगे तो फ्यूम्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी सांस को दिक्कत करती है। सो दिए जलाइए, दिए आर गुड, दियो में तेल डाल के जला, दैट इज ओके। वैक्स कैंडल्स, कैंडल्स मत जलाओ, कैंडल्स आर बैड, एक्चुअली नॉट गुड राइट। कुछ अच्छी होती है, बी वैक्स के कैंडल्स अच्छी होती हैं, बी वैक्स वाला, बट देन दे आर कॉस्टली, कॉस्टली है तो हर कोई लेता नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन है दिए जलाओ, बेस्ट ऑप्शन दिए जला लो, दैट इज ओके राइट। तो टॉक्सिक होती है एक्चुअली, उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो भी है मेरा राइट। सो वैक्स कैंडल्स, कैंडल्स वाले के ऊपर, सो दैट इज वन थिंग। अगेन और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, कचरा इतना हो जाता है दिवाली में, सो एटलीस्ट खुद के घर में, खुद के इलाके में कचरा जो है कचरे के डब्बे में फेंको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। इतना कचरा हो जाता है, अगले दिन सुबह उठ के यहाँ कचरा वहाँ कचरा, ये पेपर वो पेपर राइट। डू समथिंग गुड फॉर योर कम्युनिटी राइट, कचरा मत फैलाओ। सो ये सारे स्टेप, सिंपल स्टेप फॉलो कर लोगे, दिवाली आपकी हेल्दी हो जाएगी। और सबसे जरूरी भाई, थोड़ा सा वक्त निकाल लो शरीर के लिए, एक्सरसाइज कर लो। जी हाँ, दिवाली है सब है, बट एक्सरसाइज जरूरी है ठीक है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, जंपिंग कर लो खड़े खड़े, कहीं टाइम नहीं मिल रहा, 10 मिनट 20 मिनट की वॉक कर लो, आधे घंटे का एक्सरसाइज कर लो, जिम नहीं जाने का मत जाओ, बंद है कोई बात नहीं, डू सम एक्सरसाइजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट। और ये सारे पॉइंट्स अपने ध्यान में रखिए, नींद अच्छी लीजिए दिवाली के दिन, एक दूसरे को मिलो, जफियां पाओ राइट, अपने ड्राई फ्रूट्स वंडो खुद, बढ़िया गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, माथा टेको, थैंक यू बोलो बाबा जी को, गुरुद्वार को, भगवान को राइट। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सभी को मेरे खुद के, मेरे परिवार के तरफ से वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, थैंक यू।